अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये कैटरपिलर प्लांटर बिल्कुल ही टूटे हुए पॉट से बनाया है और अगर फेंक देते तो शायद ये ना तैयार होता। कैसे तैयार किया है आइए देखते हैं। अपने ब्रोकन टेराकोटा के प्लांटर को जोड़ने की कोशिश जारी रहती है हमारी, फेंकने का तो मन होता नहीं है मेरा। और फिर ये जब हम बना लेते हैं तो फिर से दोबारा कितने साल तक ये हमको प्लांट्स के लिए मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। एक टुकड़ा ये भी जो मैंने जोड़ा दो टुकड़े में, और इस पर भी मसाला लगा के रखा, सूख गया है। अब हम इसको भी इसी में जोड़ देंगे। थोड़ा ही थोड़ा सा जोड़ा है हमने सूखने के बाद, क्योंकि इतने हिस्सों में जब ये टूट चुका है तो मुश्किल है एक साथ ही इसको अटैच करके रखना। मुझसे जैसा जैसा होता जाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको मैं किस तरह से सही करूँ। फ़िलहाल तो मैं इस पर ये खाली सीमेंट का घोल चढ़ा रही हूँ इसको मजबूती देने के लिए। घोल से कोटिंग करने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाला, ये जो बाहर है इस पर भी मैं इसी घोल में थोड़ा सा मोरंग मिला दूँगी, सैंड या रेत, और फिर उसी से इस पर डिज़ाइन बना दूँगी। और इस पर भी आगे कुछ ना कुछ डिज़ाइन डालकर इसको ठीक करते हैं। और इस पीस को जोड़ने के लिए फ़िलहाल मैं खाली ये सीमेंट का गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट लगाने के बाद इसको इसमें जोड़ूंगी। खाली सीमेंट के ही पेस्ट से मैं इसको धीरे धीरे से जोड़ दूंगी। फेंकने को तो मैं फेंक भी सकती थी इस प्लांटर को, टूटा हुआ है किस काम का है, चलो फेंक देते हैं। और ना मेरे पास इतना कोई आइडिया रहता है कि हाँ ये इस तरह से बनाएंगे या उस तरह से, बस अपने काम को शुरू कर देती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और ये भी एक यकीन होता है कि जो बनेगा अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। तो बस वही कोशिश में मैं इसको जोड़ना शुरू किया थी। ये देखिए फ़िलहाल इसको सूखने देते हैं और फिर आगे देखते हैं कि अब इसको और क्या और किस तरीके से सही किया जाए। और इसकी वॉल पर मैंने एक छोटा सा कैटरपिलर बनाने की कोशिश की है। यहाँ से इसकी टेल, और ये उसका बॉडी पार्ट, और ये उसका हेड, जो मैंने सीमेंट से वॉल बना बना कर तैयार किया है और रिपॉट किया है इस खूबसूरत से प्लांटर में डेंथस का प्लांट। पूरे प्लांटर पर मैंने पेंट किया है वॉल कलर वाटरप्रूफ येलो कलर, इसलिए लाइट बेस देंगे ताकि हमारा कैटरपिलर बैठा हुआ दिखाई सके। पर है थोड़ा रफ, इसलिए मैंने वाइट सीमेंट से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाकर और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी पत्तियाँ हम स्टिक कर देंगे इसमें। प्लांटर तो रेडी हो गया है और ये है प्लांट डेंथस का। कितनी सारी बर्ड्स आई हैं, फ्लावर्स आए हैं रेड कलर में, और यहाँ बैठा है हमारा कैटरपिलर। ये है उसका हेड
कलर करते हैं इसको। यहाँ पर दूसरा राउंड, ये तीसरा सर्कल, और यहाँ पर है इसकी टेल। ये है कैटरपिलर का बॉडी पार्ट, दो कलर में। बैठा है साइड में, बिल्कुल ही साइड में अपने प्लांट के, ये समझ लीजिए ये शेड में बैठा है। ऑरेंज और ग्रीन दो शेड में हमारा कैटरपिलर पेंट किया गया है, और उसके हेड पर थोड़ा सा अलग शेड, आईज, ये रेड रेड आईज, और उसकी पलकें, देख रहा है ना स्वीटली, स्माइल कर रहा है कैटरपिलर। इमेजिन तो किया ही जा सकता है, कहाँ चार टुकड़ों में टूटा हुआ टेराकोटा का प्लांटर, और अब ये क्यूट सा कैटरपिलर प्लांटर, कितना प्यारा है, इसके लिए तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर कैक्टस सीमेंटेड, ये जो मैंने सीमेंट, वाइट सीमेंट की पेस्ट से बनाया है, ये एक्चुअली वो टूटा हुआ टुकड़ा गमले का था, और यहाँ पर उसमें थोड़ा सा सीमेंट का मसाला एक्स्ट्रा दिख रहा था, जिसको मैंने एक कैक्टस का रूप दे दिया है। और ये कवर हो गया टूटा हुआ हिस्सा एक कैक्टस की तरह। अपने कैटरपिलर प्लांटर को ले चलते हैं गार्डन में। वैसे तो कैटरपिलर लीफ को नहीं बख्शता है, काटता ही रहता है काटता ही रहता है, लेकिन ये डिसेंट सा कैटरपिलर है, ये नहीं काटेगा लीफ को, और उसकी शेड में आराम से बैठा रहेगा। और गार्डन में खूबसूरती को भी बढ़ाता रहेगा। और ये है मशरूम के साथ कैटरपिलर सैर करता हुआ, साथ में प्लांट्स, मिनिएचर गार्डन की तरह, लुकिंग ब्यूटीफुल। आप सबको भी अच्छा ही लग रहा होगा इंशाल्लाह। और अगर ये कोशिश हमारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।